किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा है उन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देखकर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उसे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे टू में भी वैसा ही है, एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा, आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है। अगर आप अपने जीवन में कौन सी दो चीजें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी पाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीजें, दो चीजें? वेल, सनी सर के साथ जो एक चीज सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं, तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए, आपको सब महसूस हो जाता है। तो संपिता एबीपी डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि OTT का जमाना चल रहा है, फिल्में रिलीज हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीजर पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार ये हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? नहीं, मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है, जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आंच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है। जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पर जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमीषा ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2 के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी भाजी, देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। मैं, मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी, लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं, मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं।